Hi guys, welcome back to the channel. I am Anshika. And guys, first of all, I would like to wish you all a very happy Shivratri. आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो. और guys, a week ago मेरे किसी relative की शादी थी in Himachal. So वहीं पास में ना महाकालेश्वर मंदिर है. So we planned कि हम जाते हैं, अब इतनी दूर आए हैं तो महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन भी कर ही आते हैं. तो सबसे पहले आप जाके महाकालेश्वर का वीडियो देखो. आई हैव रीच्ड टू मंदिर और ये है मेन गेट और साथ में है पार्किंग. यहाँ से मैं वॉकिंग डिस्टेंस जाना है और करीबन 50 मीटर्स है मंदिर. ये है थोड़ी सी मार्केट, मतलब मंदिर में पहुँचते पहुँचते बीच में जो मार्केट आती है, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं. क्योंकि साइड का व्यू कितना अच्छा लग रहा है ना, काफ़ी अच्छा व्यू है. बर्ड्स की एक तो ये चिरपिंग मुझे ना बड़ी अच्छी लगती है, वेरी नाइस व्यू एकदम ऐसे फ्रेशनेस. और ये हमने भी प्रसाद ले लिया है. आरफ, व्हाट इज देयर इन दिस टोकरी? ऑयल है, नारियल है, फली है और ये धूप है. अच्छा, ये भी धूप पड़ी है. ओके, माता रानी का श्रृंगार है ना. एंड देयर इज अ ब्यूटीफुल बनियन ट्री, आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड इन हिंदी. कितना सुंदर व्यू है यार, वेरी नाइस 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 नाइस. दिस इज, वी हैव रीच्ड टू द मंदिर, लेट्स गो इनसाइड. यहाँ पे हम अपने शूज रिमूव कर देते हैं. यहाँ पर मैंने ये बोर्ड पढ़ा कि जो मंदिर का काम है वो इन प्रोग्रेस है, तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से दान भी कर सकते हैं फॉर द बिल्डिंग प्रोसेस. लेट्स गो इनसाइड. काफ़ी शांति है यहाँ पे. मंदिर में तो हमेशा हमें ना एक इनर पीस मिलता ही मिलता है. लेट्स एंटर. जय हो ठाकुर जी. ये है राधा कृष्ण की मूर्ति. और एक और मंदिर है, ये गणेश जी का. मतलब यहाँ पे ना काफ़ी सारे अलग अलग मंदिर हैं, शिव जी भी हैं साथ में. लेट्स गो आउटसाइड. यहाँ पे पूजा वगैरह होती है, सारा कुछ इधर होता है, हवन हो रहा है अभी. ये इतिहास के बारे में भी है सारा कुछ, महाकालेश्वर का इतिहास. गाइज, ये लाइव हवन चल रहा है अभी, यू कैन सी शिव जी के सामने चल रहा है. ये ना कोई पूजा करवा रहा है इधर शिवलिंग के अंदर, मतलब साथ ही. Thank you.
ये देखो यार, यहाँ पे बेल कितनी बड़ी है ना, और ऊपर भी काफी कुछ यहाँ पे इन्होंने वो जंजीरों से बांधी हुई है, वेरी हैवी। दिस इज द मेन मंदिर आई थिंक सो। गाइज अंदर जो फोटो लेना मना था, वीडियो भी बनाना जो मेन मंदिर था उसके अंदर, इट वॉज नॉट अलाउड टू गो, तो मैं वीडियो नहीं बना सकी। एंड यहाँ से नीचे नदी को रास्ता जाता है ना, सो वी हैव टू गो। अरे बहुत ब्लू है पानी का जो कलर है, इट्स वेरी ब्लू इन कलर। आई थिंक इट्स समवॉट एक और कलर मिक्स्ड है इसमें, सी ग्रीन सा है ना। और यहाँ से आप व्यू को एंजॉय कर सकते हो। इसने शिवलिंग डाली पानी में। यहाँ पे मतलब अपने जो मूर्तियाँ उनको भी बहा सकते हो, जो खंडित हो जाती है ना उनको आप यहाँ पे आके बहा सकते हो। वैसे गलत बात है, मैं फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि फिर ना वो पैरों में आते हैं किसी के, तो इट डजंट लुक्स गुड। ये देखो नीचे बंदे मंदिर में आके अपना खाना पीना एंजॉय कर रहे हैं, हमने कैप्चर कर लिया इन्हें, चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक खा पी रहे। काफ़ी पीसफुल सी प्लेस है गाइज। ये है हनुमान जी का मंदिर, आप देख सकते हो पूरा मंदिर शो हो रहा है। लेट्स गो इनसाइड। जय हो हनुमान जी। गाइस यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट की, पता नहीं क्या है, गुफा सी, आई डोंट नो, ये बंद है, पता नहीं इसमें क्या है, सब बंद है, ये छोटी सी गुफा टाइप्स है और ये बंद है पर, और ये बाहर से मंदिर ऐसा दिखता है। तो माता काली ने यहाँ पर 11,000 साल तप किया। अगर बोलो जब राक्षसों का युद्ध हुआ ना, राक्षसों के टाइम में, तो ब्रह्मा ने वरदान दी थी राक्षसों को, क्योंकि राक्षसों ने भक्ति की, जब ब्रह्मा को वरदान मिला तो राक्षसों को भक्ति वरदान दिया कि आपके जब देवताओं से या किसी से लड़ाई होगी तो जितना आपका खून नीचे गिरेगा हजारों के साल से पैदा होंगे। तो फिर जैसे माता यहाँ पे भी एक पुरानी सी ना बिल्डिंग सी नज़र आ रही है मुझे ऊपर से, तो मैं अब तो रेनोवेशन हो गई है, यहाँ पे अलग अलग फोटोज़ है सारी भगवान की। सो गाइज वी आर फाइनली बैक होम एंड अभी काफ़ी थक गए, मतलब हम काफ़ी दूर दूर की जर्नीज करते हैं तो छोटी जर्नी थी, बट थोड़ी थकावट हो रही है, कल रात को सो नहीं पाया शादी की वजह से। एंड नाउ वी आर बैक, और सारा स्टाफ नीचे से ऊपर लेके आना है, कहीं दो दिन के लिए भी जाना पड़े ना, देयर इज लॉट ऑफ एंड लॉट ऑफ लगेज यू रिक्वायर्ड, एंड चलो जाके लेके आते हैं। एंड यस, आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।